Our life begins with the darkness of mother's womb. Since then, wherever we go, whatever we do, our names are written with black ink. Black, the color of darkness. But these names are written on white paper. And this white color is made up of these seven colors. White, the color of brightness. So let this color of divine positivity be in our life forever. टाइटैनिक सबको पता रहेगा, सबको टाइटैनिक मूवी पता है, कोई नहीं भूलेगा ना। किस कारण से नहीं भूलेगा? वो डूब गया था। यस, टाइटैनिक डूब गया था। पर आपको इसके पीछे एक फैक्ट नहीं पता है। टाइटैनिक जब डूब रहा था वो कौन से समय डूब रहा था आपको पता है? वो रात के समय डूब रहा था। और जब वो रात के समय डूब रहा था, टाइटैनिक व्हाइट कलर की स्मोक फायर क्रैकर की तरह आसमान में छोड़ रहा था। व्हाइट कलर का स्मोक इसलिए ताकि और शिप को दिखाई दे यहां कुछ गलत हो रहा है। जब ये टाइटैनिक डूब रहा था, एक फैक्ट है कि उससे 7 मील दूर, 7 माइल्स, एक सैंपल करके एक शिप थी। क्या ये शिप बचा सकती थी टाइटैनिक को? 7 मील दूर ये सैंपल करके एक शिप थी जो टाइटैनिक को बचा सकती थी। पर ये टाइटैनिक को बचाने नहीं आती है, क्योंकि ये खुद यहां इलीगल सी हंटिंग के लिए आई थी। वो नहीं आती है, वो आ सकती थी पर वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो ये सोचता है, इसका कैप्टन ये सोचता है कि अगर मैं यहां चला जाऊंगा तो शायद मुझे ही तकलीफ हो जाएगा, बिकॉज मैं यहां इलीगल काम के लिए आया। वो नहीं जाता। स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। सैंपल शिप से दूर 14 माइल्स, सैंपल 7 माइल्स दूर थी। कैलिफोर्नियन करके एक शिप थी जो 14 माइल्स दूर थी टाइटैनिक से, वो भी बचा सकती थी क्योंकि उसके पास उतने लाइफ बोट्स थे। बट ये भी नहीं जाती है। ये शिप का कैप्टन और क्रू मेंबर ये सोचता है कि अगर हम लोग ये आंधी में गए तो शायद हम लोग भी मर सकते, जिस वजह से वो नहीं जाती। वो सोचती है थोड़ा आंधी थम जाने दो, हम सुबह जाएंगे। और फिर और एक शिप पिक्चर में आती है कॉल्ड एज कार्पेथिया। कार्पेथिया 58 माइल्स दूर थी टाइटैनिक से, सैंपल 7 माइल्स, कैलिफोर्नियन 14 माइल्स, एंड कार्पेथिया 58 माइल्स दूर थी टाइटैनिक से। वो डिसीजन लेती है मुझे टाइटैनिक को बचाने जाना है। और माई डियर फ्रेंड्स, टाइटैनिक पे 1317 ऑन बोर्ड पैसेंजर्स थे, उसमें से कार्पेथिया 705 पैसेंजर को बचाता है, हाफ द नंबर। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको किसी को मदद करना है, अगर आपको किसी को हेल्प करना है, तो कोई भी सिचुएशन में कर सकते, कोई भी सिचुएशन में कर सकते हैं। उसके लिए आंधी, उसके लिए इलीगल चीजें, हमें कोई भी काम का हमें वो प्रॉब्लम नहीं दे सकता। हम लोग हेल्प करने से ना डरते कभी कभी। हम लोग हेल्प कर सकते थे, करना चाहते हैं, पर कोई कारण से नहीं करते। और जब हम हेल्प करना शुरू कर देंगे, सो डेफिनेटली 101% हमारे लाइफ में डार्कनेस चली जाएगी और ब्राइटनेस आएगी। मान लो ये हाथ मेरा मुड़ नहीं सकता है, मुझे फ्रैक्चर हुआ है और यहां पूरा प्लास्टर लगा हुआ है दोनों हाथ पे, तो क्या मैं खा सकता हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं खा सकता हूं? अगर दोनों हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ है
तो क्या मैं खा सकता हूं? मैं नहीं खा सकता। सेम सिचुएशन और एक भाई साहब को भी है, उसके भी दोनों हाथ में प्लास्टर लगे हुए, वो भी नहीं खा सकता। कैसे खाएंगे वो लोग? सॉरी, एक दूसरे को खिलाकर। तो अगर हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हमारे लाइफ में ब्राइटनेस आएगी। वी नीड टू हेल्प। मुझे नहीं पता ये जो मैं कहने जा रहा हूं कितना सच है, पर काफी बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कहता है कि मुझे इसको हेल्प करना है, बट कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में ऐसे कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं जो मना करते हैं मत हेल्प कर। तो आपकी लाइफ में ये डार्कनेस बढ़ती जाएगी। अगर ये डार्कनेस से ब्राइटनेस में कन्वर्ट होना है तो फिर हमें हेल्प करके एक ऐसा रास्ता है जो हमारे लाइफ में ब्राइटनेस ला सकते हैं। अवर ग्रीड, हमारा जो लालच है, इसको डार्कनेस में से अगर निकाल देना है और हेल्प करके, वी शुड बी सेल्फलेस, एंड अवर ब्लैक कलर विल बी कन्वर्टेड इन टू वाइट, दैट इज ब्राइटनेस, पीस, डिवाइन, सुकून वाला लाइफ। अभी आपके आत्मा के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जरूर ना जरूर ऐसा फील होगा कि अगर मैंने किसी को हेल्प किया, जस्ट इमेजिन सैमपन की क्रू मेंबर और आपके कैलिफोर्नियन की क्रू मेंबर को सुकून मिलेगा अंदर से? नहीं। बट यस, कार्पेथिया के जो क्रू मेंबर है वो लोग मन में बोल सकते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज द प्रोग्राम इज वंडरफुल, बिकॉज फॉर मी लाइक यू नो आई हैड टू एडजस्ट माय लेक्चर्स, आई कैंसिल माय लेक्चर्स एंड देन आई केम फॉर दिस, एंड इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, लव, ग्रोथ, इट वॉज एक्सलेंट, आई एम सो हैप्पी दैट आई केम। थैंक यू सो मच पावन। रव सरना सेमिनार अटेंड करवा एक अमारी माटे लाभो छे, અને મેં હમણાં સરને બી કીધું કે હર સેમિનારમાં સર અમને મીઠું મીઠું રડાવે છે, અને એ જે આંસુ નીકળે છે ને એ સાચે બ્રાઇટનેસ તરફ લઈ જાય છે। વી આર વેરી મચ થેન્કફુલ ટુ નીરવ સર ફોર ઇન્વાઇટિંગ અસ ફોર ધીસ સેમિનાર। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ। લાઈફ કેન બી વ્યૂડ ફ્રોમ અ ડિફરન્ટ એંગલ, એન્ડ ધ મીનિંગ ઓફ બ્યુટિફુલ વી કેમ અક્રોસ ટુ નો ટુડે, સો ઇટ ઇઝ રિયલી ફેન્ટાસ્ટિક, એન્ડ આઈ થિંક યુ વુડ ડેફિનેટલી લાઈક ટુ અટેન્ડ સમ મોર સેશન્સ and to enlighten ourselves as well as others also. So thank you so much Nirav for organizing this and making us part of it, and we really enjoyed it. Thank you. That's my sister Rupal, and I was not going to be a part of this seminar, but fortunately last moment, last night, she called me and I came here, but it was really enlightening. First and foremost, the things which we already know but we don't most of the time put it in practice, so that is what is enlightenment, and that is what is beauty. So life is really beautiful, and thanks to Nirav sir to again make us realize that, and excellent, I really enjoyed it. I would like to say the life is really beautiful. I really enjoyed the seminar and learned a lot of things, and there is one suggestion to arrange such seminars for the today school going kids and the teenagers also. Yes. So that their life also becomes more beautiful. Thank you.